हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक कैसे एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे आज की जो अपडेट निकल के आ रही है CSIR NIO यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, ये जो है आपका राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की तरफ से अपडेट निकल के आ रही है, तो काफी बेहतरीन अपडेट है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब इसमें आपको सबसे पहले जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखाते हैं, तो सबसे पहले आप चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। यहाँ पे हमने डाउनलोड पहले ही कर लिया है, तो दोस्तों चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपोर्टेंट पॉइंट दिया है, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मैट्रिक्स आपको क्या मिलेगा और यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पोस्ट है वो परमानेंट जॉब यहाँ पे होने वाली है। दूसरी चीज कि यहाँ पे जो है आप अप्लाई ऑल इंडिया से कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आगे मैं बता दूं इसमें कि जो जो पोस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं वो उसका कोड यहाँ पे दिया हुआ है कि 501 से लेकर के T511 तक पोस्ट है। उसका नेम जो है आपका टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड लेवल जो है 6 की यहाँ पे मिल जाएगी। टोटल पोस्ट की बात करें तो 24 है, अनरिजर्व के लिए 12 है, ओबीसी के लिए 7 पोस्ट है, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट है। बाकी एज लिमिट की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 28 ईयर्स रखी गई है, ओबीसी के लिए 31 साल और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 33 साल यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। बाकी आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे डिटेल। तो आपको जो है पे मैट्रिक्स यहाँ पे मिल जाएगी एक्सक्लूडिंग एचआरए एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इसके अलावा जो है आपको 41,418 मिल जाएगा यहाँ पे जो है आरएस इंडियन रुपीज में यहाँ पे मैट्रिक्स। पोस्ट कोड की बात करें तो कैटेगरी जो है T501 की पोस्ट में यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी 2 अनरिजर्व के लिए है, 1 ओबीसी के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो इसेंशियल है वो यहाँ पे मांगा गया है कि फर्स्ट क्लास बीएससी डिग्री आपके पास होना चाहिए इन फिजिक्स में या नहीं तो मैथ्स में, विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। बाकी डिटेल चेक कर सकते हैं। डिजायरेबल एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा हुआ, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिल जाएगा। अगर नहीं है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नेचर किस टाइप का जॉब का है वो दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इस पीडीएफ का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके पूरा का पूरा डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। आगे की पोस्ट हम देख रहे हैं तो T502 की, इसमें एक पोस्ट निकाली गई है अनरिजर्व के लिए, इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है आपका फर्स्ट क्लास बीएससी मांगा हुआ है साइंस में, विथ जो है आपका बी लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए, मतलब कि डिग्री जो है लाइब्रेरी साइंस का होना चाहिए। डिजायरेबल एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, वो आपके पास है तो अच्छी बात है। यहाँ पे जॉब किस टाइप का होगा दिया हुआ है। T503 की बात करें तो इसमें जो है आपका एक अनरिजर्व के लिए, एक एससी के लिए पोस्ट है। यहाँ पे जो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका फर्स्ट क्लास डिप्लोमा मांगा गया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ गवर्नमेंट अप्रूव्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। ठीक है, यहाँ पे आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, तो पूरा का पूरा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और ये जो डिप्लोमा आपका होना चाहिए वो 3 इयर्स का फुल टाइम कोर्स होना चाहिए, यानी तो आपने लैटरल एंट्री से अगर कॉलेज में एडमिशन लिया है तो 2 साल का आपका कोर्स होना चाहिए। बाकी डिजायरेबल एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा हुआ, अगर आपके पास है तो एक्स्ट्रा प्रेफरेंस आपको मिल जाएगा। और किस टाइप का जॉब है यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है। अगली पोस्ट है T504 की, इसमें अगर हम बात करें इसेंशियल क्वालिफिकेशन के, फर्स्ट क्लास आपका डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। बाकी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। डिजायरेबल एक्सपीरियंस अगर आपके पास जो है नॉलेज इन कंप्यूटर एंड ऑटो कैड में है तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिल जाएगा। बाकी अगला पोस्ट जो है वो है 505 की। अब यहाँ पे T505 में एक अनरिजर्व के लिए, एक ओबीसी और एक एससी के लिए है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ बीएससी डिग्री मांगा हुआ है बायोलॉजी विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए यहाँ पे, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगला पोस्ट है T506 की, यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन का बीएससी डिग्री होना चाहिए। अगर आपके पास बीएससी डिग्री है केमिस्ट्री में विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल चेक कर सकते हैं। T507 की बात करें तो यहाँ पे एक अनरिजर्व के लिए, 2 ओबीसी के लिए, इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपका बीएससी डिग्री रखा गया फर्स्ट क्लास जियोलॉजी में होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। बाकी आप यहाँ पे डिटेल चेक कर सकते हैं। T508 की बात करें तो इसमें जो है आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया फर्स्ट क्लास बीएससी डिग्री आर्कियोलॉजी जियोग्राफी या जियोलॉजी विथ 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास है अंडर वाटर आर्कियोलॉजी में, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल चेक कर सकते हैं। अगला जो है T509 की पोस्ट, इसमें जो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, एटलीस्ट 3 इयर्स फुल टाइम ड्यूरेशन का, यानी तो लैटरल एंट्री के बाद 2 साल का होना चाहिए और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। बाकी चेक कर सकते हैं यहाँ पे डिटेल। पोस्ट की बात करें तो यह है T510 की पोस्ट, इसमें जो है आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन
या फिर कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एटलीस्ट 3 ईयर्स का कोर्स होना चाहिए और यहाँ पे भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। बाकी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। पोस्ट की बात करें तो T511 की पोस्ट है। यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ भी मांगा गया है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल दिया हुआ है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन की, तो अगर आप इंडियन सिटीजन है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आगे देख लेते हैं जो जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है, वो सारी की सारी डिटेल एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल जो है आप एक बार डाउनलोड करके जरूर पढ़ लीजिए अप्लाई करने से पहले। उसके बाद मेन मेन पॉइंट यहाँ पे मैं बता देता हूँ। इजीली एक्सेस अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, तो आपका ट्रेड या स्किल टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं पैटर्न क्या है पेपर का और किस तरह से आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे 3 पेपर आपके लिए जाएंगे, ठीक है, और सेकेंड और थर्ड पेपर तभी इवेलुएट किया जाएगा जब आप फर्स्ट पेपर के कट ऑफ को क्लियर करेंगे। उसके बाद बात करें मोड ऑफ एग्जामिनेशन की, तो आपका OMR यानी तो कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। मीडियम ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम यहाँ पे देखने को मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 200 रहेगा। 3 आवर्स का एग्जाम यहाँ पे लिया जाएगा। बाकी पेपर 1 जो 3 पेपर होंगे ना, पेपर 1 की बात करें तो 1 घंटे का होगा, जिसमें मेंटल एबिलिटी के टेस्ट आपसे पूछे जाएंगे। 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, यानी 2 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर के लिए आपको मिलेगा। कोई निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है, तो जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और उसके बाद सिचुएशनल जजमेंट आपसे पूछे जाएंगे। पेपर 2 की, तो उसमें 30 मिनट यानी आधे घंटे का आपका टेस्ट लिया जाएगा। उसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के 25-25 क्वेश्चंस होंगे और इसके मार्क्स होंगे 75-75 मार्क्स के पूछे जाएंगे। यानी एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का आपका यहाँ पे रहेगा। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1 मार्क्स एवरी रॉन्ग आंसर के लिए रहेगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं अगले पेपर 3 की, तो इसमें जो है आपका टाइम अलॉटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है 90 मिनट्स के होंगे और इसमें कंसर्न सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस होंगे, 300 मार्क्स यानी एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स यहाँ पे रहेंगे और यहाँ पे 1 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी प्रत्येक रॉन्ग आंसर के लिए। आपको किस तरह से अप्लाई करना है, तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और यहाँ पे 2 जून से लेकर के आप 17 जुलाई तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। अप टू कब तक, तो 5:30 बजे शाम तक। आगे हम इसमें बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फी आपको 100 रुपीज देने पड़ेंगे अगर जनरल और ओबीसी कैंडिडेट है। बाकी अगर SC ST PWD वुमेन और CSIR एम्प्लॉय है तो आपको कोई फी यहाँ पे नहीं करना है। आगे इसमें इम्पोर्टेंट जानकारी देख लेते हैं, और भी कोई जानकारी दिया हुआ है तो। दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी है, चेकलिस्ट दिया हुआ है कि आपको ये डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने पड़ेंगे और ध्यान रखें कि ये सिंगल जो है PDF में कन्वर्ट करके सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करना है सिंगल PDF में, और वो फाइल जो आपका 15 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। अब देख लीजिए इसमें आपका 10th का सर्टिफिकेट लगेगा, उसके बाद 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन या डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी आपके केस में एप्लीकेबल है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद सर्टिफिकेट रिलेटेड टू हायर क्वालिफिकेशन, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रिलेटेड टू फिजिकली हैंडीकैप अगर आप हैं तो उसका सर्टिफिकेट, बाकी सारे के सारे यहाँ पे डिटेल चेक कर सकते हैं। और इसको जो है एक ही PDF में अटैच करना है, ठीक है, एक ही फाइल बनाना है PDF का, और वो 15 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ध्यान रखें कि इसी ऑर्डर में वहाँ पे लगाना है सर्टिफिकेट, ठीक है, तो इसी ऑर्डर में लगा करके और वहाँ पे अपलोड आपको करना पड़ेगा। तो चलिए अब एक बार देख लेते हैं किस तरह से आपको जो है यहाँ पे अप्लाई करना है। तो जैसे इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे वैकेंसीज, तो यहाँ पे आएंगे परमानेंट जॉब में, ठीक है, परमानेंट जॉब क्लिक करेंगे क्योंकि ये जो जॉब है आपका परमानेंट है, तो यहाँ पे विंडो जो है इस तरह से खुल जाएगा और बाकी देख सकते हैं सारे पोस्ट कोड यहाँ पे दिए हुए हैं। अब यहाँ पे जो एक प्लस करेंगे किसी पे तो यहाँ पे सारी डिटेल इसकी आ जाएगी, एज लिमिट से रिलेटेड कितनी सैलरी है, क्या क्या यहाँ पे मांगा गया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एसेंशियल जो भी है सारी के सारी खुल के आ जाएगी। और किसी में अप्लाई करना तो अप्लाई पे जस्ट क्लिक कर देंगे, ठीक है, अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फी पे करना पड़ेगा, ठीक है, एप्लीकेशन फी यहाँ पे क्लिक करके एप्लीकेशन फी जो है आपको पे करना पड़ेगा। प्रोसीड करके यहाँ पे आई हैव रीड एवरी इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे जो है आप प्रोसीड करेंगे एप्लीकेशन फी आपका पे हो जाएगा, तो एप्लीकेशन फी पे यहाँ से कर लेंगे। दोस्तों जैसा कि ऊपर आप यहाँ पे कॉर्नर पे देख सकते हैं इनकम्प्लीट फॉर्म को आप एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ से अगर सबमिट कर दिया तो प्रिंट भी ले सकते हैं। बाकी नीचे देख लेते हैं, अप्लाई करना होगा तो सबसे पहले पेमेंट आप कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे चेक कर लेंगे, उसके बाद अप्लाई यहाँ पे ऑनलाइन कर देंगे। तो यहाँ पे सारी डिटेल आपको डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, बाकी जितने भी जो है कौन कौन से कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, क्या क्या आपके केस में एप्लीकेबल है, सारा चीज दे देंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट रिसिप्ट नंबर यहाँ पे डालना है, ठीक है, और उसके बाद पेमेंट रिसिप्ट डेट यहाँ पे डालना है, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। और मान लीजिए कि आप जो है SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कैटेगरी SC डाल देते हैं, ठीक है, तो दोस्तों चलिए यहाँ पे हमने क्या किया कि SC ST डाल दिया और यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ रैंडमली कुछ भी डाल दिया और यहाँ पे हम देखते हैं प्रोसीड करके कि कैसे फॉर्म इसमें खुलेगा। तो यहाँ पे जो है सर्च हो रहा है, अब देख लेते हैं फॉर्म इस तरह से आपका आ जाएगा, तो यहाँ पे आकर के आप पूरा का पूरा जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं।
अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप जब तक फी नहीं पे करेंगे, वहाँ पे जो है फी का रिसिप्ट नहीं डालेंगे, तब तक वहाँ पे जो है आपका फॉर्म नहीं खुलेगा। यहाँ पे मैंने SC ST डाला है, इसलिए फॉर्म यहाँ पे खुल के आ गया है। तो बाकी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं डिटेल, सब कुछ एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद यहाँ से सबमिट एंड कंटिन्यू कर लेंगे। तो दोस्तों आज के अपडेट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसी तरह बेहतरीन अपडेट हमेशा इस चैनल पर आते रहते हैं, और कोई डाउट हो वीडियो से रिलेटेड तो आप जो है कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।